कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रीय लोग चलाता है, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे की, झारखंड सबके बाप के लगे की, लेकिन हमारे बाप के लगा, लेकिन हमारे बाप के खून बहल। इस राज को लोग गिद्ध नजर से देखते हैं, इस राज को लोग चारागाह मानकर चलते हैं। अलग अलग प्रदेशों से इस राज में लोग आकर यहां के लोगों के हक अधिकार को भी छीनते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। बड़ा विचित्र 20 सालों का जो दौर था, और आज ये ऐसे इन लोगों ने इसको इस दलदल में जाकर ढकेल दिया कि आज इस राज को आगे निकलने में एक लंबी संघर्ष की आवश्यकता है। जो लोग गुजरात चलाते थे, जो लोग मुंबई चलाते हैं, जो लोग दिल्ली चलाते हैं, जो लोग देश चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का समूह इस राज को भी चलाता था। बड़ा बड़ा ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा दल, देश का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड भी चला गया। क्यों भाई, क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे है। लेकिन हम इतना जरूर, छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रीय लोग चलाता है, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया, और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडीय था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार करके बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार के बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज एक झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एन के एन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ही इसको हटाया जाए। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि यहां का नेता तो 24 घंटा हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। अजीब हालत है। क्या ये इस राज्य का जो 3.25 करोड़ लोगों को जो इस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोकतंत्र के निर्णय के द्वारा हम लोग यहां चुन के आए हैं, उसको आप यूं ही गिरा देंगे? कैसे सरकार आप गिराएंगे भाई? तो सरकार गिराएंगे विधायक को खरीद फरोख्त कर, विधायक को झूठे केसों में फंसाकर, छोटे छोटे केसों में। बड़ा विचित्र, हमारे विधायक को जिस केस में, आचार संहिता के केस में 3 साल का सजा होता है, वही उनका विधायक को आचार संहिता के केस में 1 साल 6 महीने का सजा होता है। क्या कीजिएगा, पैसा वाला लोग
पैसा वाला लोग का तो सब कोई सुनता है, गरीब का सुनेगा क्या? हमारे लिए तो जो सरकार बनने के बाद से ही ऐसा हो गया मानो इन लोगों ने सुपारी दे दिया हो इस सरकार को गिराने के लिए। एन के एन प्रकार लगे हुए, जब राजनीतिक तौर पर नहीं सकते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी भिड़ा देते हैं। और इस सरकार को बदनाम करने पे लगे। हमारे विपक्ष इस देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको, उनके वंशजों को निरंतर बदनाम करने पे लगा हुआ है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।